विकेट माइंड एक इरोटिक फैमिली ड्रामा है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां कोई भी एक दूसरे का सगा नहीं है। यहाँ हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से प्रेरित है। सबके दिमाग में केवल दुष्टता भरी है। ऐसे परिवार का क्या हाल होगा, इसे जानने के लिए कहानी में आखिरी तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। होल्डन एक हार्वर्ड ग्रेजुएट है। अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद वो यूरोप से अमेरिका अपने घर लौट रहा है। उसकी माँ के मरने के बाद वो कई सालों तक अपने पिता के घर नहीं गया था। उसके पिता मेसन एक अमीर बिजनेसमैन है। उसका जूते का बड़ा कारोबार है। वो झील के किनारे एक बड़े बंगले में रहता है। होल्डन के ग्रेजुएशन के बाद उसके पिता ने खास तौर पर उसे अपने साथ रहने के लिए यहाँ बुलाया है। अब उसे ही उसका बिजनेस संभालना होगा। मेसन ने उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज भी प्लान कर रखा है। जब होल्डन घर आता है, सीधे अपने पिता के कमरे में उसे मिलने जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। वो अपने पिता को ढूंढते हुए जब बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाथरूम में एक खूबसूरत लेडी है जो नहा कर कपड़े बदल रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े हिचकते हैं। होल्डन को लगता है कि ये लेडी जरूर उसके पिता की नई गर्लफ्रेंड होगी। वो बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। तभी कमरे में उसके पिता आते हैं। उसे पता नहीं है कि होल्डन उस लेडी से मिल चुका है। मेसन अपने बेटे को देखकर एक्साइटेड है और होल्डन को उस लेडी से मिलाता है जिसका नाम लाना है। मेसन बतलाता है कि वो उसी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि उसने उसे शादी कर ली है। वे ग्रीस में एक दूसरे से मिले थे। अब वो उसकी नई माँ है। होल्डन बड़ा हैरान है क्योंकि उसके पिता ने कभी भी अपनी शादी का जिक्र उससे नहीं किया था। असल में यही उसके पिता मेसन का सरप्राइज है जो वो उसे अमेरिका वापस आने पर देना चाहता था। लाना उसकी स्टेप मॉम है। वो यंग और अट्रैक्टिव है। लाना से पहली मुलाकात होल्डन के लिए भी यादगार रहेगी। मेसन अपने बेटे होल्डन को अपनी और लाना की पहली मुलाकात के बारे में बतलाता है कि कैसे वे ग्रीस के एक सुनसान बीच में मिले थे। उसे देखते ही उसे प्यार हो गया था। उस शाम मेसन अपने बेटे होल्डन और पत्नी लाना के साथ एक फंड रेजर कैंपेन में जाता है जहां वो अपनी पत्नी लाना के लिए एक महंगे हार पर बोली लगाता है। इस पार्टी में लाना और होल्डन भी काफी समय बातें करते हुए साथ बिताते हैं। गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने पर होल्डन लाना को बतलाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया है। तब लाना उसे एक लड़की निकोल से मिलाती है। ये लड़की होल्डन की उम्र की है। लाना को उम्मीद है कि होल्डन का समय उसके साथ अच्छा गुजरेगा। लाना चार्मिंग है और सबसे हंसकर बातें करती है। जब मेसन उसे अपने वकील हैरी से बातें करते हुए देखता है तो उसे बड़ी जलन होती है। अक्सर ऐसा होता ही है, जब एक उम्रदराज आदमी किसी जवान औरत से शादी करता है तो उसे हर उस आदमी पर शक होता है जिससे वो नजदीक होती है। जब वे वापस घर आते हैं, मेसन अपने बेटे होल्डन के सामने ही लाना के बालों को खींचता है और उस पर अपने एम्प्लॉई के साथ अफेयर करने का आरोप लगाता है। अपने पिता को रोकने के लिए होल्डन को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है। ऐसा ही बर्ताव मेसन उसकी माँ के साथ भी किया करता था। इसी वजह से उसकी माँ ने उसे तलाक ले लिया था और जब तक जिंदा रही मेसन से मिलने कभी नहीं आई। अगली सुबह होल्डन लाना से कल रात उसके पिता के बर्ताव के लिए सहानुभूति जताता है। लाना भी धीरे धीरे होल्डन के साथ घुल मिल जाती है। असल में मेसन ने अपने बेटे को इसलिए अपने यहाँ रहने बुलाया है ताकि वो उसके बिजनेस में उसका हाथ बटा सके और साथ काम करते हुए बिजनेस के गुर सीख सके। यहाँ उसके पिता के बंगले में रहते हुए उसका काफी समय लाना के साथ बीतने लगा है। उसकी अदाएं उसे अच्छी लगने लगी है। लाना भी जानती है कि होल्डन को उसके साथ अच्छा लगता है, इसलिए जब एक दिन मेसन मीटिंग में बिजी होता है, लाना होल्डन को लेकर उसके पिता मेसन की महंगी जगुआर कन्वर्टेबल में घूमने चली जाती है। होल्डन के इस कार को देखने भर से उसके पिता को तकलीफ थी, लेकिन लाना के मनाने पर कि वो सब हैंडल कर लेगी, होल्डन ये रिस्क उठाने के लिए राजी हो जाता है। लाना उसे एक बार में लेकर जाती है जिसके मालिक को वो अच्छे से जानती थी। सुबह में यह बार बंद रहती है, लेकिन बार में कैसे घुसना है लाना को अच्छे से पता है। वे बार में घुसकर काफी विस्की पीते हैं।
यहाँ उनमें पहली बार फिजिकल नजदीकियां भी बढ़ती हैं। तभी अचानक बार का मालिक कुछ लेने के लिए दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। लाना और होल्डन उसे देखकर टेबल के पीछे छुप जाते हैं। जब बार का मालिक चला जाता है, लाना होल्डन की बाहों में होती है। उस मोमेंट में वे एक दूसरे को चूमने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। इसके बाद तो बात आगे बढ़ती ही जाती है। शाम को जब वे घर वापस आते हैं, मेसन घर में मौजूद है और उन्हें साथ में उसकी जैगुआर कार में घर आते देख सकते हैं। हालांकि तब वो उन्हें कुछ नहीं कहता है, लेकिन अगली सुबह होल्डन लाना की कलाई में ब्रूजेस देख सकता है। जरूर मेसन ने उसके साथ मारपीट की होगी। हालांकि ब्रेकफास्ट के दौरान उसका बर्ताव अच्छा रहता है। उस दिन मेसन अपने बेटे को बास्केटबॉल खेलने के लिए अप्रोच करता है। जब वे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, मेसन ऐसा दिखलाता है जैसे वो घर में अब भी एक डोमिनेंट मेल है, जैसे वो दिखलाना चाहता हो कि मादा पर उसी का हक है। खेल के दौरान वो होल्डन को एक जोर का मुक्का मारता है और वार्निंग देता है कि वो कभी भी उसकी कार को फिर छूने की कोशिश ना करे। असल में ये एक इनडायरेक्ट इशारा है कि वो उसकी चीजों से दूर रहे। लाना भी खिड़की से इस टेंशन को देख सकती है। उस रात होल्डन लाना को बतलाता है कि उसका पिता कभी भी एक अच्छा आदमी नहीं रहा है। उसने एक समय उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद की थी और अब वो उसकी भी जिंदगी बर्बाद करेगा। असल में मेसन को लोगों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है। कल शाम बार में उनके बीच जो कुछ भी हुआ था, इसके बाद उन्होंने फिर से ऐसा कुछ ना दोहराने की बात तय की थी, पर आज रात भी वे खुद पर काबू नहीं कर पाते हैं। और मेसन के बंगले में ही जब वो सो रहा है, लाना और होल्डन रोमांस करते हैं, लेकिन एक शोर की वजह से मेसन उठ जाता है और लाना को ढूंढते हुए नीचे हॉल में आ जाता है। वो अपने बेटे होल्डन के कमरे में भी जाता है और उसे शोर के बारे में पूछता है। आज लाना और होल्डन रंगे हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बचे थे। उन्हें कम से कम घर में ऐसा कुछ करने से बचना चाहिए। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, ऐसा लगता है जैसे लाना और होल्डन में ना केवल शारीरिक नजदीकियां बढ़ रही है, बल्कि वे इमोशनली भी नजदीक आने लगे हैं। होल्डन लाना से प्यार करने लगा है, लाना भी होल्डन को पसंद करने लगी है। उनमें काफी पर्सनल बातें भी होती है। एक दिन लाना उसे बतलाती है कि उसके बचपन में उसके स्टेप फादर ने उसका रेप किया था, लेकिन जब वो उसकी छोटी बहन पर भी नजर गड़ाने लगा, तब उसने एक प्लान बनाया और मगरमच्छ से भरे झील में, जहां वो अपनी नाव में अक्सर मछली पकड़ने जाया करता था, उसे बहाने से शराब पीने के लिए रिझाया। उसका स्टेप फादर इतने नशे में था कि मछली पकड़ने के दौरान नाव से उसी झील में गिर गया। मगरमच्छों ने उसके चिथड़े तक नोच डाले। पुलिस को आज तक उसकी डेड बॉडी का एक अंश भी नहीं मिला। उसने हत्या तो नहीं की, पर उसके स्टेप फादर के मरने से उनकी सारी तकलीफें खत्म हो गई। एक शाम निकोल उसके घर डिनर के लिए आती है। निकोल वही लड़की है जिससे लाना ने एक दफे होल्डन को मिलवाया था। निकोल लाना के साथ एक बिजनेस में पार्टनर है। निकोल होशियार है और उसमें बिजनेस का अच्छा सेंस भी है, लेकिन अब लाना को उसका होल्डन से नजदीकी बढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। जब मेसन अपने बेटे से उसके फ्यूचर बिजनेस प्लान के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना चाहता है और भविष्य में इसी क्षेत्र में काम करेगा। ये सुनकर मेसन का गुस्सा होल्डन पर टूट पड़ता है। उसने उसे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में बिजनेस की पढ़ाई करने भेजा, लेकिन अब वो आर्किटेक्चर भी पढ़ना चाहते हैं। अगर वो पढ़ता ही रहेगा तो फिर बिजनेस कब संभालेगा। वो निकोल के सामने ही होल्डन की भारी बेइज्जती करता है। तब होल्डन तय करता है कि वो अब अपने पिता के साथ उसके घर में नहीं रहेगा और वहां से वापस अपनी मरहूम माँ के घर चला जाएगा। लेकिन लाना उसे जाने से रोक देती है, क्योंकि उसके बिना यहाँ वो अकेली पड़ जाएगी। अब तो वे दोनों साथ में रहने के बारे में भी सोचने लगे हैं। अगले दिन मेसन अपने बेटे होल्डन को शिकार पर ले जाता है। हालांकि लाना ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो उसके साथ शिकार पर जाए, क्योंकि अक्सर शिकार के दौरान कुछ न कुछ हादसा हो ही जाता है। जंगल में एक पल के लिए होल्डन के दिमाग में ये ख्याल आता है कि वो अपने पिता को सूट करके सारी फसाद यहीं पर खत्म कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। एक सुबह होल्डन अपने पिता के लिए फ्रूट जूस बनाता है। वे साथ में थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। तब उसका पिता मेसन कहता है कि उसे लगता है कि लाना का कोई प्रेमी है। उसकी आंखों में देखकर ही उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे चीट कर रही है। ये सुनकर होल्डन काफी घबरा जाता है
अगर उसके पिता को पता चल गया कि लाना का प्रेमी वो खुद है तो उसका पिता उसे जान से मारने से भी नहीं हिचकेगा। होल्डन तय करता है कि इस बारे में वो लाना से बात करेगा और अब अपनी स्टेप मॉम के साथ सारे अफेयर तुरंत खत्म कर देगा। वो लाना को एक मोटेल में मिलने के लिए बुलाता है। उसने नकली नाम से मोटेल में कमरा लिया है ताकि किसी को यहाँ उसके होने का पता न चल सके। वो यहाँ लाना को भी बुलाता है ताकि बात करके सब कुछ खत्म कर दिया जाए। होल्डन लाना को सारी घटना बतलाता है कि कैसे उसके पिता को उस पर शक हो चुका है। आज नहीं तो कल वो सारी बातें फिगर आउट कर लेगा, इससे पहले उन्हें अलग हो जाना चाहिए। होल्डन कहता है कि वो अपने पिता का घर छोड़कर जा रहा है, उसने सारे सामान पैक कर लिए हैं, लेकिन लाना उसे ऐसा करने से रोकती है। वो अब होल्डन के बिना नहीं रह सकती है। लाना उसे वहां रोकने के लिए उसके साथ मोटेल में ही प्यार करती है। इसके बाद होल्डन सो जाता है। काफी देर बाद जब होल्डन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वहां लाना नहीं है, वो चली गई है। जब होल्डन अपने घर वापस लौटता है तो देखता है कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी है। उसे किसी बड़े धारदार हथियार से मारा गया था। होल्डन इस घटना की जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस के आने के काफी देर बाद देर रात लाना घर पहुंचती है। यहाँ पुलिस दोनों के बयान लेती है। पुलिस जानना चाहती है कि वे घटना के दौरान कहाँ थे। हालांकि आज वे काफी समय मोटेल में एक साथ थे, लेकिन वे इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं बतलाते हैं। अगर पुलिस को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया तो सीधा शक उन दोनों पर ही जाएगा। पुलिस पूरे घर को सील कर देती है और कुछ दिनों के लिए उन्हें उसके पिता के वकील हैरी के घर में रुकना पड़ता है। हैरी का शक भी लाना के ऊपर है क्योंकि वो कोई सीधी साधी लड़की नहीं थी, लेकिन उसने पुलिस को जो स्टोरी बतलाई है कि वो हत्या के टाइम कहाँ थी, इस बात को पुलिस क्रॉस चेक कर सकती है। उसकी स्टोरी कन्फर्म है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ होल्डन की स्टोरी में झोल है। उसकी किसी भी बात को कन्फर्म नहीं किया जा सकता है। वो मोटेल में होने की बात भी साबित नहीं कर सकता है क्योंकि उसने फेक आईडी से रूम बुक किया था और ना ही उस रात किसी ने उसे वहां आसपास देखा था। पुलिस को भी उस पर उसके पिता की हत्या का शक है क्योंकि मेसन की संपत्ति का एकमात्र वारिस होल्डन ही है। हालांकि होल्डन के जेल जाने के बाद सारी संपत्ति मेसन की पत्नी लाना के नाम पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। जब होल्डन लाना से बात करता है तो वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। असल में लाना इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि होल्डन ने ही अपने पिता को मारा है। अब ऐसा लगने लगा है जैसे होल्डन चारों तरफ से घिर गया है। पुलिस उसे जल्दी ही अरेस्ट कर लेगी। किसी भी हाल में पुलिस को लाना और होल्डन के अफेयर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा। लेकिन लाना उसे जल्दी ही एक बुरी खबर देती है कि निकोल ने उन दोनों की वीडियो टेप बना ली है और उसे ब्लैकमेल कर रही है। वो टेप लीक ना करने के लिए $1,00,000 मांग रही है। अब होल्डन के लिए सब कुछ गड़बड़ा गया है। वो इतना परेशान है कि फाइनली अपने और लाना के रिलेशन के बारे में उसके पिता के वकील हैरी को सब कुछ साफ साफ बतला देता है। वो उसे ये भी बतलाता है कि उसके पिता को लाना के किसी प्रेमी के होने का शक था, शायद वो किसी और आदमी की बात कर रहा है। जरूर ये वही आदमी है जिससे उसने मर्डर कराया होगा क्योंकि वो अकेले मेसन को नहीं मार सकती है। हालांकि हैरी ये बतलाता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके पिता को पहले जहर दिया गया था जिसका इस्तेमाल कीटनाशक बनाने में किया जाता है। तब होल्डन को याद आता है कि लाना को भी बागवानी का काफी शौक था, वो कीटनाशक के बारे में काफी कुछ जानती थी। उसे एक बात और याद आती है कि उस दिन जब वो मोटेल से बाहर निकल रहा था और लाना को ढूंढने बार में गया था तब बार बंद थी, लेकिन उस बार के बाहर उसे एक भिखारी मिला था जिसने उससे टाइम पूछा था। उसने उसे कुछ पैसे भी दिए थे। वो उसके पिता की हत्या के वक्त घर पर नहीं था। इस बात को उस भिखारी की गवाही कन्फर्म कर सकती है। घर पर पुलिस की तहकीकात खत्म होने के बाद उन्हें घर वापस लौटा दिया जाता है। जब होल्डन घर वापस जाता है तो देखता है कि वहां लाना पैसे लेकर कहीं जा रही है। पूछने पर वो कहती है कि वो वीडियो टेप के बदले निकोल को पैसे देने जा रही है। जब होल्डन घर से निकल ही रहा था उसे गैरेज में से किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। गैरेज में यहाँ वहां देखने पर उसे अपने पिता की जैगुआर कार पर एक नोट लिखा मिलता है
जिसमें एक सुसाइड नोट रखा है जिस पर होल्डन का नाम लिखा है। इस नोट पर लिखा है कि वो अपने पिता की हत्या को एक्सेप्ट करता है और शर्मिंदगी की वजह से आत्महत्या कर रहा है। तभी अंधेरे में लाना कहीं से आ जाती है और उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन फाइनली वो लाना पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है। तब लाना कहती है कि उसे लगा था कि कोई बर्गलर है और चुपके से घर में घुस आया है। होल्डन को अब पूरा शक हो चुका है कि लाना ने ही उसके पिता को मारा है और अब उसे भी मार देना चाहती है। वो लाना को वहीं छोड़कर सीधे अपने पिता के वकील हैरी के पास चला जाता है, जहां वो उसे सारी घटना की जानकारी देता है। अब तो ये मामला हैरी के लिए भी साफ हो गया है कि मेसन की हत्या लाना ने ही प्लान की थी और होल्डन को मारकर सुसाइड नोट के जरिए ये साबित करना चाहती थी कि होल्डन ने अपने पिता की हत्या के बाद पछतावे की वजह से खुद को मार लिया। होल्डन ने ये स्टोरी पुलिस को भी बतलाई, लेकिन पुलिस को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं है। लाना का अब कोई अता पता नहीं है, लेकिन जल्द ही पुलिस निकोल को पकड़ लेती है। वो सरकारी गवाह बन जाती है। गवाह बनने की वजह से उसे सजा में इम्यूनिटी मिलती है। निकोल वीडियो टेप रिकॉर्ड करने की बात कबूल करती है। वो बतलाती है कि लाना ने ही उसे वीडियो टेप रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। वो पकड़े जाने के डर से देश छोड़कर वेनेजुएला भाग गई है। ऐसा लगता है जैसे मेसन की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है और हत्यारे का पता चल गया है, लेकिन असल में सच ये नहीं है। असल सच इन सब के पीछे है। जब होल्डन अपने घर वापस जाता है तो वहाँ निकोल भी मौजूद होती है। असल में निकोल होल्डन की गर्लफ्रेंड थी। जब उसके पिता ने ग्रीस के उस सुनसान आइलैंड में लाना से शादी की थी, उस समय संयोग से होल्डन और निकोल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने मेसन को लाना से शादी करते देखा था। होल्डन ने उसी समय यह प्लान बना लिया था कि वो अपने पिता की हत्या करेगा, क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो अपनी माँ की मौत के लिए अपने पिता मेसन को जिम्मेदार समझता था। वो इसके लिए उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने उसकी माँ को कभी ठीक से ट्रीट नहीं किया। जब वो मौत के कागार पर थी, वो उसे कभी देखने तक नहीं आया। होल्डन ने प्लान के तहत जानबूझकर लाना से अफेयर रखा। उसने हत्या में उसका इस्तेमाल किसी चारे की तरह किया, जिससे कि सारा शक लाना के ऊपर चला जाए। असल में लाना कहीं भागी नहीं है, बल्कि उसने निकोल की मदद से लाना को मारकर बगल के झील में फेंक दिया है। सुसाइड नोट से लेकर वीडियो टेप तक सब कुछ उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। वो भिखारी भी जिसने उसे बार के बाहर देखा था, सब उसने पहले से प्लान कर रखा था। उसने अपने पिता को मारने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया ताकि उसकी गर्लफ्रेंड निकोल उसके पिता मेसन के शरीर पर घाव के गहरे निशान बना सके। अब तक सब कुछ होल्डन के प्लान के मुताबिक हुआ है। होल्डन पुलिस को फोन करता है और बतलाता है कि उसे हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार मिला है, लेकिन ना जाने अब कहां से लाना वापस आ जाती है। लगता है निकोल ने उसे झील में फेंकने से पहले ठीक से नहीं मारा था, वो किसी तरह जिंदा बच गई है। अब लाना के पास एक पिस्तौल है। वो होल्डन को माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो भी अब जानती है कि उसी ने मेसन को मारा है और उसे हत्या के आरोप में फंसा दिया। वो उस पर गोलियां चलाती है, जिससे होल्डन जख्मी हो जाता है। वो अपनी जान बचाते हुए किसी तरह घर से बाहर भागता है, पर ज्यादा दूर नहीं भाग पाता है। अब वो ठीक लाना की बंदूक के निशाने पर है, पर तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और इससे पहले कि लाना होल्डन को गोली मार पाती, पुलिस उसे शूट कर देती है। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। एक दफे लाना ने भी अपने स्टेप फादर को इसी तरह मारा था, जैसे होल्डन ने अब लाना को मारा है। तब परिस्थिति ऐसी थी कि पुलिस को लगा था कि लाना के स्टेप फादर को मगरमच्छ ने खा लिया, और अब परिस्थिति ऐसी है जब ऐसा लग रहा है कि मेसन को लाना ने ही मारा है और अब होल्डन को भी मार देना चाहती थी। फाइनली होल्डन का प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। लाना के मरने के साथ मेसन की मौत का सच हमेशा के लिए दब गया है। अब उसकी बाकी की जिंदगी आराम से अपनी मर्जी की लाइफ जीते हुए बीतेगी, या फिर ना जाने कोई परिस्थिति फिर से ऐसी बनेगी जब दोषी कोई और होगा और सजा होल्डन भुगतेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।